Most days I can barely leave my bed. Cause someone lives rent free inside my head. I say I'm not okay, I'm terrified. When I go to sleep, when I close my eyes, what the hell am I supposed to do? So this is the last day in Banaras and let's start it. अब मुझे लगता है मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी बिकॉज़ आई गॉट एग्जॉस्टेड. मैंने कल बहुत एक्सेस काम कर लिया. मैं बाहर थी पूरे दिन, शूट 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 एंड शूट. सो लेट्स स्टार्ट द डे विद ब्रेकफास्ट. आई एम स्टेइंग विद लिव फ्री हॉस्टल एंड दिस इज़ देयर कैफे. सो आई हैव पोहा एंड द ब्रेकफास्ट विद कॉफ़ी विदाउट शुगर. और मैं वेट कर रही हूँ मेरे फोटोग्राफर की कि वो आएगा. सो वी विल गो क्योंकि आज हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है. ओह फाइनली मेरा फोटोग्राफर आते हुए. गुड मॉर्निंग फोटोग्राफर, नया वीडियोग्राफर, कैसे हो तुम? सन नॉट फाइनली, आई एम सो एक्साइटेड. सो इट्स ऑलरेडी 12 बज चुके हैं बट दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटमेंट सफर. वी आर गोइंग टू टेक ऑटो. हम ऑटो से जाएंगे. मैं बहुत टाइम बाद ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई एम लैकिंग इट. Reaching to the finish, and यहाँ की एक बहुत बड़ी स्टोरी है. So you have to stay tuned for that story. Guys, this place की vibes अलग है. मतलब जब गौतम बुद्ध ने अपने first प्रवचन दिए थे तो वो इसी जगह दिए थे जब वो 35 years old थे. तो यहाँ आना तो वाराणसी में होकर बनता है. सो सारनाथ अशोकन पिलर्स हैं देवा पाता एंड समगा जो कि डिवाइडेड हैं यहाँ पे. ये जो पिछवाड़ा, इनको नोटिस मत करना, हम आपको दिखा देंगे गाइस इधर से. ये रहा एग्जैक्टली. अब हम जा रहे हैं इस बड़े मॉन्यूमेंट की तरफ. वाराणसी में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. इट्स जस्ट नॉट अ ट्रिप फॉर वन डे. मैं 4 दिन का प्लान करके आई थी, मेरी ट्रेन डिले हुई. मुझे पता है कल भी डिले होने वाली है. सो आई हैव टाइम टुमारो आल्सो. दे आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन यहाँ पर अंडर दिस ट्री. वैसे इस जगह पर सुकून तो बहुत है. यहाँ पर इन पत्थरों के सबके नाम्स हैं, जैसे कि ये है मूंग मूला गंदी का कुटी, मूल गंद कुटी. ओके, मूल गंद कुटी. सो दे हैव अ डिफरेंट नेम. तो आज हमें एक नए फोटोग्राफर मिले हैं. हाय, रोहित. दिस इज रोहित. या सो अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं. ये था हमारा धमेक स्तूपा एंड अभी यहाँ पे प्रेयर्स हो रही थी. लोगों ने इसके चारों तरफ मतलब कुछ इस तरह के का वाइट क्लोथ्स आई गेस विश फुलफिलमेंट के लिए बांधे. और ये मतलब प्रतीक है उस टाइम का जिस टाइम फर्स्ट टाइम गौतम जी ने यहाँ बैठकर प्रीचिंग्स करी थी, उपदेश दिए थे. हम यहाँ से जा रहे हैं. आपको मैं ऑलरेडी इस जगह के बारे में बता चुकी हूँ. यहाँ बहुत सारे मॉन्क देखने को मिल सकते हैं और थाईलैंड से भी मॉन्क आते हैं यहाँ पर. फिलहाल हम चलते हैं वापस. It's a kind of food day also again. कुछ नया try करते हैं. Banaras is famous for food also. हाँ, to take train. 3 बजे की train है. अभी कुछ बज रहे हैं 12 के आसपास. ओह माय गॉड, वी हैव टू डू जल्दी जल्दी से. सो पहले जा रहे हैं हम अस्सी घाट क्योंकि मुझे कुछ वहाँ के शॉट्स चाहिए. और मेरे के सबसे हॉस्टल के पास ही अस्सी घाट है सच बताऊँ तो. यहाँ का गुरुकुल है गाइस. हाय, हेलो. केत सिंह का बनाया हुआ किला है और कहने की बात है कि एक हॉन्टेड घाट है यहाँ का. और ये बहुत वायरल किला है क्योंकि ये कहते हैं अंदर से इसमें आवाज़ें आती है तो आप भी सुन सकते हो, बट मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया. बाय हॉस्टल, बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू रोहित, थैंक यू अक्षत. इट्स अ टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस. बाय बाय एवरीबॉडी.
By God, Sakshi, you are the champ person. It's time to catch the train. C12 बहुत आगे, C5 से स्टार्ट किया था. ट्रेन इज़ बिफोर द टाइम, तो मतलब शाम को आज टाइम पर पहुँच जाएंगे. एंड ऑलरेडी सेड बाय टू दिस ब्यूटीफुल गलियाँ ऑफ बनारस. विल सी यू सून. ओके, लेट्स कैच इट. वैसे ट्रस्ट मी, ट्रेन इज़ गुड.